नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं थ्री फेस लोको के अनलोडर वाल के बारे में। इसकी बात क्यों कर रहे हैं, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अनलोडर वाल से कभी भी लीकेज होता है तो लोको फेल हो सकता है। अनलोडर वाल लोको के अंडर फ्रेम में लगे हुए हैं, उससे संबंधित जानकारी आज प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैंने अधिकतर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि वो वीडियो भी डालिए, जबकि मैं डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो आप चैनल पर जाकर स्क्रॉल कर सारे वीडियो देख ले। मैं और दोस्तों, ख़ास बात ये ध्यान रखने की है, हमको अपनी भारतीय संस्कृति से लगाव रखना है, प्रेम रखना है। तो आइए हम देखते हैं अनलोडर वाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अनलोडर वाल काम क्या करता है। जैसा कि इसका नाम है, अनलोडर वाल अनलोडिंग करने के काम आता है। किसकी अनलोडिंग? जो कंप्रेसर से प्रेशर बनता है, ये अनलोडर वाल लगा हुआ है, यानी कि कंप्रेसर और ये जो चेक वाल है यानी कि नॉन रिटर्न वाल है, इसके बीच में, तो कंप्रेसर का हेड और नॉन रिटर्न वाल, इसके बीच में अनलोडर वाल लगा हुआ है। इस अनलोडर वाल को कौन ऑपरेट करता है? ये जो 26 नंबर की कॉइल है ये ऑपरेट करती है। ये मिनोमेटिक पैनल पर लगी हुई है, ये अनलोडर वाल अंडर फ्रेम में लगे हुए हैं। दो कंप्रेसर है तो दो अनलोडर वाल है, एक ये और ये एक ये, दोनों अनलोडर वाल इस 26 नंबर की कॉइल से ही ऑपरेट होते हैं। यहाँ ध्यान क्यों देना है जरूरी, कि जब भी ये अनलोडर वाल अटक जाता है, हो सकता है 26 नंबर की कॉइल्स के कारण अटका हो, चाहे इसकी खराबी कारण अटका हो, वो हमें मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो डायग्राम आप देखते हैं सभी ऑपरेटिंग के हिसाब से डायग्राम बनाए हुए हैं, सिर्फ लाइन डायग्राम है। अपन को थोड़ी जानकारी हो जाए इसके लिए, इसके अंदर भी और छुपे हुए कई पाइपलाइंस होती है और उसके अंदर भी और डायग्राम होता है जो हमको देखने में नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे लिए इतना उचित है, इतना ही ठीक है, इसके लिए ये हम देखते हैं। तो जब भी अनलोडर वाल ख़राब हो जाता है यानी कि अटक जाता है, तो यहाँ से प्रेशर लीकेज होता है, एग्जॉस्ट प्रेशर लीकेज होता रहता है। अब ये अटक कब प्रेशर लीकेज होता है? जब कंप्रेसर चलता है, क्योंकि अनलोडर वाल का काम ही यही है कि जब कंप्रेसर चालू होता है तब 5 सेकंड तक यहाँ से प्रेशर निकलता रहेगा और 5 सेकंड के बाद में वापस ये बंद हो जाएगा लीकेज और नॉर्मल प्रेशर बनता रहेगा। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि कंप्रेसर बिना बैक प्रेशर के स्टार्ट होगा, जिससे कंप्रेसर की आयु बढ़ेगी, कंप्रेसर पे अधिक लोड नहीं पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था हर एक लोको में, कन्वेंशनल लोको में भी की हुई है, इसमें भी की हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये अनलोडर वाल अटक जाता है, तो अंडर फ्रेम में ये लगे हुए हैं, अंडर फ्रेम में हवा का लीकेज चार्ज होता है, प्रेशर वहीं से निकलता रहता है और प्रेशर आगे नहीं बढ़ता, MR की सुई आगे नहीं बढ़ती, तो हम लीकेज ढूंढते रहते हैं इधर उधर, लीकेज कहाँ, लीकेज कहाँ है, और करते क्या है, कंप्रेसर को बंद कर देते हैं, VCB को ओपन कर देते हैं और लीकेज ढूंढते हैं, लीकेज नहीं मिलेगा, क्योंकि लीकेज और कहीं है ही नहीं, लीकेज तो अनलोडर वाल से है, तो लीकेज दूसरी जगह कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यहाँ भी लीकेज नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कंप्रेसर को बंद कर दिया। VCB को ओपन करके अगर आप लीकेज ढूंढेंगे तो लीकेज नहीं मिलेगा। तो ये लीकेज ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंप्रेसर चालू रखेंगे, VCB क्लोज रखेंगे और कंप्रेसर चालू रखेंगे, अंडर फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे अनलोडर वाल के जो पाइप निकले हुए हैं वहाँ हाथ लगाएंगे। अगर लगातार लीकेज हो रहा है तो वहाँ से इसको कॉक दिए हुए हैं, उसके आइसोलेटिंग कॉक, ये जिस अनलोडर वाल से लीकेज हो रहा है उस अनलोडर वाल के आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देंगे। बंद करने पर अतिरिक्त कोई सावधानी नहीं है, सिर्फ सामान्य रूप से गाड़ी चलाएंगे, TLC को सूचित कर देंगे, तो इतना ये करना है। तो धोखा कहाँ खा जाते हैं, हम VCB को ओपन करके लीकेज ढूंढते हैं, लीकेज नहीं मिलेगा, चलती गाड़ी में नीचे उतर के या हाथ लगा के देखना है अंडर फ्रेम में, वहाँ से लीकेज होता हुआ मिलेगा, तो अनलोडर वाल से लीकेज है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी 26 नंबर की कॉइल के द्वारा ही ऑटो ड्रेन वाल भी ऑपरेट होता है। ये MR1 के नीचे ADV लिखा हुआ है, ऑटो ड्रेन वाल, और ये जो डीप कप है यहाँ से ऑटो ड्रेन वाल का समय समय पर लीकेज, मतलब ये होता रहता है, ड्रेन होता रहता है, जो मॉइस्चर को ड्रेन करता है। तो इस तरह हमने देखा अनलोडर वाल के बारे में कि अनलोडर वाल से अटक जाने पर क्या नुकसान हो सकता है और उसका साइन कैसे मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।